टेकपॉम से बोल रहा हूँ। आज वीवो ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है Y66 यानी ये Y66। ये सेल्फी फोकस्ड कैमरा है और इसकी जो विशेषता है दोस्तों वो है इसका 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और ये मूनलाइट ग्लो फीचर के साथ आता है। दोस्तों जहाँ तक इस फ़ोन की डिज़ाइन की बात करें तो ये यूनिबॉडी डिज़ाइन है, इसमें सॉफ्ट मेटल और प्लास्टिक यूज़ किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके पीछे वीवो की ब्रांडिंग दी गई है, इसके ऊपर रियर कैमरा है और इसके राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं और पावर बटन है और इसके जो नीचे है वो आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग स्लॉट है और ये आपका ईयरफोन के लिए स्लॉट दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है, ये डुअल सिम है लेकिन इसमें आप एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड या दो सिम एट ए टाइम लगा सकते हैं। इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है और इसको बिल्कुल प्लेन रखा गया है। जहाँ तक डिज़ाइन की बात करें तो ये थोड़ा सा इसमें कर्व्ड भी आप देख सकते हैं और डिज़ाइन इसका ठीक ठाक है और अच्छा लगता है और इसको आप सिंगल हैंड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी स्क्रीन 5.5 इंच की है लेकिन आप इसको सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी जो स्क्रीन है दोस्तों वो है 5.5 इंच की HD डिस्प्ले विद 720x1280 पिक्सल्स विद 2 5D कर्व ग्लास और ये आई प्रोटेक्शन मोड भी इस पर दिया गया है ताकि आपकी आईज में स्ट्रेन ना पड़े। जहाँ तक दोस्तों इसके और फीचर्स की बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन आता है, इसको जो फ़ोन को चलाता है वो है स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर और ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और इस 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और इसमें 3GB रैम है और 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज है जिसको कि आप 256GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फ्रंट टच 3.0 OS सॉफ्टवेयर पर चलता है कि जो कि एंड्रॉयड मार्शमेलो बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये अब प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 1.5 GHz इसकी क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर की। और जहाँ तक दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो ये 4G LTE को सपोर्ट करता है, आपको सभी वाईफाई को सपोर्ट करता है और ब्लूटूथ 4.1 इस पे को भी सपोर्ट करता है, GPS सपोर्ट करता है, तो ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे इसमें। और दोस्तों इसका एक और जो बहुत ही प्लस पॉइंट है वो है इसकी पावरफुल 3000 mAh बैटरी और ये आपको मेरे ख्याल से पूरा एक दिन आपका निकाल देगी डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज, लेकिन ये तो जब इसको डिटेल में हम टेस्ट करेंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन ओवरऑल 3000 mAh बैटरी इस प्राइस रेंज के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों जहाँ तक इसके कैमरा कैपेबिलिटीज़ की बात करें, जैसा कि मैंने बताया ये इसमें फ्रंट कैमरा तो पावरफुल है ही है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है जिसमें ये डिफरेंट मोड्स हैं नाइट, अल्ट्रा HD और ये f2.2 अपर्चर के साथ आता है और इसमें डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं और ये इसमें कैमरा में आप काफ़ी ऑप्शंस और भी हैं जिसे आप प्ले कर सकते हैं अपनी इमेज के साथ, तो ये इसका एक बहुत बड़ा दोस्तों प्लस पॉइंट है। और जहाँ तक इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है विद मूनलाइट ग्लो फीचर है जो कि इसका एक बहुत ही USP है इस फ़ोन का। मूनलाइट ग्लो से आप अच्छी सेल्फी खींच सकते हैं अगर आपकी लाइटिंग कंडीशन नहीं अच्छी हैं और ये आपको नेचुरल स्किन टोन देगा कंपेयर टू जो नॉर्मल सेल्फी फ्लैश होते हैं, तो ये इसका एक दोस्तों बहुत प्लस पॉइंट है। ये दोस्तों एक चीज़ और, ये सावन का जो प्रो ऐप है ये प्री लोडेड आता है इस फ़ोन के ऊपर और इसमें आपको 6 मंथ्स की फ्री सब्सक्रिप्शन कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिससे कि आप 6 महीने तक आप इसके इसको म्यूज़िक का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस रखी गई है 14,990 रुपीज़ यानी कि 15,000 रुपये और ये आपको 2 कलर में मिलेगा, गोल्ड एंड क्राउन गोल्ड एंड मैटे ब्लैक और ये आपको 20 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चैनल्स पे। ओवरऑल दोस्तों ये फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन भी इसका अच्छा है और इसको आप सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं, 5.5 इंच की स्क्रीन है और इसके हर एंगल से आप इसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेरा दोस्तों फर्स्ट लुक है इस फ़ोन के बारे में और जो मेरा ओपिनियन है
ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप सेल्फी फोकस्ड फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़ोन दोस्तों मेरे को महंगा लग रहा है, लेकिन इसके जो सेल्फी का जो फीचर है, कैमरा का फीचर है, वो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच।